प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में विश्व सरकारां बारे सिखर सम्मेलन नूं संबोधन किया। आधुनिक संसार विच पिछली सदी दीआं चुनौतियां नूं पछाणदिआं प्रधानमंत्री ने सेहत सुरक्षा, भोजन अते पाणी दी कमी, ऊर्जा दी पहुंच, सिख्या अते समावेशी समाज दे निर्माण वर्गे महत्वपूर्ण मुद्दिआं नूं उजागर किया। प्रधानमंत्री ने भारत दे उभार, जनतक भागीदारी, समाजिक शमूलियत ते टिकाऊ विकास दा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अज सरकारां नूं नागरिकां दी भलाई नूं यकीनी बनाउण लई संघर्ष दा सामना करना पै रिहा है। उन्होंने सहयोग की लोड़ ते जोर दिंदिया कहा कि हर सरकार अपने नागरिकां दी भलाई लई वचनबद्ध है, पर चुनौतियां नूं देखदिआं सहयोग की लोड़ है। जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले, आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेश विच भारतीय प्रगति ते माण करदिआं कहा कि भारत ने 50 करोड़ लोगों नूं बैंकिंग पहुंच प्रदान की है, जिस नाल भारत फिनटेक अते डिजिटल भुगतानां विच एक विश्व लीडर बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय अक्षय ऊर्जा, हवा, पानी दे नाल नाल जैविक बालण अते ग्रीन हाइड्रोजन ते काम कर रहा है। पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है, लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। प्रधानमंत्री ने आबूधाबी विच बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके बोलदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएई की धरती ने एक नवा सुनहरी अध्याय लिखिया है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर भारत यूएई के खुशहाल ते मजबूत संबंधों की एक अनोखी मिसाल है। अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है।